गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इट्स 10 PM और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डाटाबेस मैनेजमेंट का न्यू लेक्चर एग्रीगेट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हैविंग क्लोज और उससे ठीक पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्रुप बाय क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है और मैंने आपको यह भी बताया था कि एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई होते हैं इन पर। आज उसी एग्रीगेट फंक्शंस को टॉपिक को मैं लेकर आपके सामने आया हूं, एग्रीगेट फंक्शंस। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सिंगल रो फंक्शंस विच वर्क ऑन ए सिंगल वैल्यू। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने सिंगल रो फंक्शंस डिस्कस किए जो बेसिकली सिंगल वैल्यू पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अपडेट क्लोज हो गया, हमने वेयर कंडीशन के साथ हम यूज कर रहे थे, या हमने डिलीट, अगर हमें पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है तो हम डिलीट कमांड यूज कर रहे थे। तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किए सिंगल रो फंक्शन जो सिंगल वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन SQL प्रोवाइड्स द मल्टीपल रो फंक्शन विच वर्क ऑन द मल्टीपल वैल्यूज। सो वी कैन अप्लाई द सेलेक्ट क्वेरी ऑन ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रादर देन द एंटायर टेबल्स। Therefore, these functions are called aggregate functions or group functions. Basically, इनको हम क्या कहते हैं? Aggregate functions बोलते हैं और group functions बोलते हैं, जो basically multiple records पर apply होते हैं rather than the entire table. एक group of records पर apply होते हैं rather than the entire table. ओके, तो आज हम आपके साथ वही एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो नंबर के क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ओके, और पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम। एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शन है आपका मैक्स हो गया, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है, मीन एग्रीगेट फंक्शन है, सम एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है और काउंट एग्रीगेट फंक्शन है। तो मैक्स एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मैक्स एग्रीगेट फंक्शन? रिटर्न्स द मैक्सिमम, दैट मींस हाईएस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज इन द गिवन कॉलम। एक कॉलम में जो वैल्यूज है, राइट, एक कॉलम में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो वी हैव टू अप्लाई द मैक्स फंक्शन, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम और एट्रीब्यूट। ओके, एंड इफ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम, सपोज एक कॉलम है उसमें जो वैल्यूज है हमें उनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वी हैव टू अप्लाई द मीन एग्रीगेट फंक्शन टू दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, देन वी हैव टू अप्लाई द सम एग्रीगेट फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, in that case we have to apply the average function. And similarly if we have to count the total number of values or records under the specified columns or expression, in that case we have to apply the count aggregate function on that particular attribute or expression. Okay, so dear students, any aggregate functions ko aaj main aapke sath discuss karunga practical. Definitely mera ek हमेशा से ही अप्रोच रहा है कि थियोरेटिकल को मैं प्रैक्टिकल में जरूर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं अपना टेबल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले माई एसक्यूएल कमांड लाइन, मैंने पासवर्ड एंटर किया रूट, डाटाबेस का नाम क्या था मेरा, यूज स्कूल, टेबल क्या थी मेरी, शो टेबल्स, शो टेबल से मुझे पता चल जाएगा कौन सी टेबल्स है। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ये मेरी टेबल्स है। नाउ आई विल अप्लाई ऑल द एग्रीगेट फंक्शंस ऑन द मार्क्स एट्रीब्यूट, ऑन द मार्क्स एट्रीब्यूट। सपोज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेबल, सपोज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेबल स्टूडेंट। तो आई विल अप्लाई द मैक्स एग्रीगेट फंक्शन, तो आई विल यूज सेलेक्ट मैक्स और स्टूडेंट
सेलेक्ट मैक्स, सॉरी स्टूडेंट नहीं मार्क्स आएगा, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स, क्योंकि जो मैं मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है उसको किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई करूंगा, मार्क्स वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई करूंगा। हम यहाँ पर एज मैक्सिमम मार्क्स, एज मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है कितने हैं, 87। ओके, और सपोज हमें अगर मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हो तो हम मीन फंक्शन अप्लाई करेंगे किस पर, मार्क्स एट्रीब्यूट पर। तो हमारे पास यहां पर मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, यहां पर हमने चेंज कर दिया इसका, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। अब आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 25 है। अगर मान लीजिए मुझे सभी का सम करना है, मार्क्स का सम करना है, तो मैं आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मुझे मार्क्स का सम करना है, सभी मार्क्स को सम करना है कि टोटल कितने मार्क्स हैं, तो यहां पर मैं यहां पर टोटल मार्क्स, ओके हाउ मच टोटल मार्क्स, आई विल अप्लाई सम एग्रीगेट फंक्शन टू द एट्रीब्यूट मार्क्स, सम आ जाएंगे टोटल की, टोटल 644 मार्क्स है इस स्टूडेंट टेबल में। सपोज मुझे एवरेज काउंट करना हो कि एवरेज मार्क्स क्या है, तो आई विल अप्लाई द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन, आई विल अप्लाई द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन, आई विल अप्लाई द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ऑन द एट्रीब्यूट मार्क्स। ओके, तो एवरेज इज 53.667। सपोज वी हैव टू अप्लाई द काउंट, सपोज वी हैव टू अप्लाई द काउंट, ठीक है ना, काउंट द टोटल, काउंट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की कितने हैं, सम नहीं करना है, काउंट करना है कितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स है, तो यहां पर आ जाएगा टोटल रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहां पर आएगा टोटल रिकॉर्ड्स 12 है, टोटल रिकॉर्ड्स क्या है 12। अब आप देख सकते हैं यहां पर टोटल रिकॉर्ड्स कितना है 12। एक मिनट, एक मैं टेबल ही डिस्प्ले कर लेता हूं, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहां पर मैंने टेबल डिस्प्ले करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड मेरे 12 आए, ठीक है। अब आप कहोगे सर टोटल रिकॉर्ड तो 13 है, अरे भैया मैं किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहा हूँ, पहले आप खुद देखिए मैं किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मार्क्स वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहा हूँ, किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं काउंट फंक्शन को, मैं काउंट फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ मार्क्स वाले एट्रीब्यूट पर, और आप खुद देखिए इसमें एक नल वैल्यू भी है, और ध्यान रखिए एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 12 है, टोटल मार्क्स मेरे पास क्या है 12 है, ये बात आप ध्यान रखिए कि जो मेरे पास टोटल मार्क्स है वो कितने हैं 12 है, क्योंकि नल वैल्यू को एग्रीगेट फंक्शन कभी भी कंसीडर नहीं करता है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मैं किसी भी कॉलम में अगर कोई भी नल वैल्यू है, किसी कॉलम में अगर कोई भी कोई नल वैल्यू है, तो जो एग्रीगेट फंक्शन है उस नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो मैंने कहा सेलेक्ट काउंट, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर अप्लाई किया डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट काउंट मार्क्स एज टोटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैंने यहां पर मुझे काउंट करना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो यहां पर मेरे टोटल 12 मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स वाले कॉलम में एक नल वाला, एक नल वैल्यू भी आ रही है, वो कंसीडर नहीं होगी, इस चीज को आप ध्यान रखिए, वो कंसीडर नहीं होगी, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या रहा है 12 आ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन कभी भी नल वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि एग्रीगेट फंक्शन कभी भी नल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करेगा जो कि आपके 13 है। काउंट वाला फंक्शन अगर आप जो है इस पे किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहे हैं और अगर उस एट्रीब्यूट में कोई नल वैल्यू है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप काउंट एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो इट दैट मींस टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज 13। बट व्हेन आई अप्लाई द काउंट फंक्शन ऑन द मार्क्स एट्रीब्यूट एंड इन द मार्क्स एट्रीब्यूट ए नल वैल्यू इज गिवन, दैट नल वैल्यू इज नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द एग्रीगेट फंक्शन काउंट। ओके, नल वैल्यू इज नेवर कंसिडर्ड बाय द एग्रीगेट फंक्शन इन एनी ऑफ द एक्सप्रेशन, इन एनी ऑफ द इवेल्युएशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस थे, मैक्स हो गया, मीन हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया और काउंट हो गया, ये 5 के 5 एग्रीगेट फंक्शंस आपको समझ में आ गए। अब इन्होंने बता भी रखा है कि मैक्स क्या है, मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू
among the given set of values of any column or expression based on the column. देखिए खुद इसने क्या कहा है कि जो max function है is used होता है to find the highest value को find करने के लिए among the given set of values of any column. और यहाँ पर हमने column कौन सा लिया था, हमने marks वाला column लिया था. तो जब भी हम max attribute को pass करेंगे वो marks वाला column, तो definitely max attribute उस marks वाले column में जो values होंगी उनमें से maximum value को क्या करेगा, find करेगा. जैसे कि इसने बोला है कि max function is used to find the highest value among the given set of values of any column or expression based on the column. Max takes one argument which can be either a column name or any valid expression involving a particular column from the table. That means वो क्या कर रहा है कि max जो है, max function एक argument लेता है, वो क्या हो सकता है, कोई column भी हो सकता है, column का नाम हो सकता है और कोई valid expression भी हो सकता है जो involving कर रहा है एक particular column को table में से. ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने अपना एक एग्जांपल ले रखा है कि एक टेबल एम्प्लॉय है, उसमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है, हमने अपना एग्जांपल लिया है. ठीक है, अब बात करते हैं मीन फंक्शन की. तो मीन फंक्शन इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू अमंग द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कॉलम. मीन टेक्स वन आर्ग्यूमेंट विच कैन बी आइदर ए कॉलम नेम और एनी वैलिड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल. राइट, अब इसके के बाद है आपका सम फंक्शन है. तो सम फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ए कॉलम. तो जो आपका सम फंक्शन है वो यूज होता है टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ए कॉलम. इट एक्सेप्ट द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट विच इज टू बी समड अप on the basis of a particular column or an expression containing that column name. Basically sum function jo hai find out karta hai total values ka jo bhi sum hoga usko calculate karega. Simple logic aapko sirf samajhna hai sum function ke bare mein. Iske jo mein baad hai aapka abg function, average ke mein function. To average function kya find out karta hai, ye average value find out karega kiski, values ki, kisi attribute mein jo values hai unki average value ko find out karega. एवरेज फंक्शन क्लियर हो गया, तो हम इसके लिए यूज करेंगे एबीजी फंक्शन. इसके बाद है काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन जो है यूज होता है टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम, कि कॉलम में जो वैल्यूज है उनको काउंट करता है. काउंट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट विच कैन बी एनी कॉलम नेम और एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ए कॉलम और एन एस्ट्रिक. व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज ए कॉलम नेम और एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कॉलम, काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन दैट कॉलम. देखिए अभी मैंने क्या कहा, नॉन नल वैल्यूज, दैट मीन्स नल वैल्यूज कंसिडर्ड नहीं होंगी. केवल और केवल कौन सी वैल्यूज कंसिडर होंगी, नॉन नल वैल्यूज कंसिडर होंगी. ये कब कंसिडर होंगी, ये तब कंसिडर होंगी जब हम काउंट फंक्शन के अंदर कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे या कोई एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करेंगे जो उस कॉलम से रिलेटेड हो, तो उस जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नॉन नल वैल्यूज आएगी. दैट मीन्स एग्रीगेट फंक्शन नॉन नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा, केवल और केवल नॉन नल वैल्यूज ही हमारी कंसिडर होंगी. और वेन वी अप्लाई द एस्ट्रिक, जैसे कि इसने लिख रखा है, इफ द आर्ग्यूमेंट इज एस्ट्रिक देन काउंट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट मींस रो सेटिस्फाइंग द कंडीशन. तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप एस्ट्रिक पास कर रहे हैं काउंट फंक्शन के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मींस रो को काउंट करेगा. और अगर आप किसी कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उस कॉलम में जो रिजल्ट स्पेसिफाई करेगा वो उस रिजल्ट को स्पेसिफाई करेगा जिसमें नल वैल्यूज नहीं होंगी. अगर उस कॉलम में कोई नल वैल्यूज है तो वो उसको क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि नल वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होता है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए कि जो नल अगर किसी कॉलम के पास नल वैल्यूज है तो एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होगा, नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा. जैसे कि काउंट फंक्शन में देख रहा था कि काउंट फंक्शन ने क्या करा, नल वैल्यूज को कंसिडर
नहीं किया, जो नल वैल्यूज है उसको कंसिडर नहीं किया काउंट फंक्शन ने। काउंट फंक्शन नल वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होगा, तो काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है जो नल वैल्यूज पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सिमिलरली सम भी हम सम कर रहे थे, कॉलम्स में जो वैल्यूज है उनका सम कर रहे थे, तो नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया गया। एवरेज कर रहे थे, नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया गया। हम जो है आपका मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया गया। मीन वैल्यूज को हम कंसिडर कर रहे थे, नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया गया। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि जो ये एग्रीगेट फंक्शंस है, ये बेसिकली किसी कॉलम पर, किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज पर अप्लाई होते हैं, और अप्लाई होने के बाद अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शनैलिटीज दे रिटर्न द पर्टिकुलर रिजल्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा ये लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कुछ एग्रीगेट फंक्शंस, जिसमें पहला एग्रीगेट फंक्शन मैंने मैक्स एग्रीगेट फंक्शन को डिस्कस किया है। मैक्स एग्रीगेट फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग द वैल्यूज इन द कॉलम। मीन फंक्शन फाइंड्स द मिनिमम वैल्यू अमंग द वैल्यूज इन द कॉलम। एवरेज फंक्शन फाइंड्स द एवरेज वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज गिवन इन द एट्रीब्यूट। सम एग्रीगेट फंक्शंस फाइंड्स द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन द एट्रीब्यूट्स। एंड सिमिलरली आपका काउंट फंक्शन काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। एंड इफ वी पास द एस्ट्रिक विद इन द काउंट फंक्शन, देन दिस काउंट एस्ट्रिक विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। वाइल द काउंट एंड इफ वी स्पेसिफाई द कॉलम नेम विद इन द काउंट फंक्शन, देन इट जस्ट काउंट द नॉन नल वैल्यूज। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी चीज को यहां पर इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। एक हमें डिस्टिंक्ट क्लोज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि डिस्टिंक्ट क्लोज क्या है। देखिए, सपोज मैं मुझे यहां पर आपको मैं इस काउंट फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूं इस स्ट्रीम वाले कॉलम पर। तो देखिए मैं किस तरीके से करूंगा, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम टेबल। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टिंक्ट क्लोज होता है, डिस्टिंक्ट क्लोज क्या करेगा, बेसिकली हमने काउंट क्लोज है, काउंट क्लोज को हमने किस पे अप्लाई किया, काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है, किस पर अप्लाई होगा, ये एक एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा। हमने किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया इसको, स्ट्रीम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया। अब हमें स्ट्रीम वाले जो एट्रीब्यूट पर जब हमने इसे काउंट को अप्लाई किया, तो हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रीम काउंट करनी है। जैसे मान लीजिए मैथ्स है, कितनी बार आई है, दो बार है, लेकिन वो अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एक से ज्यादा बार डिस्प्ले हो रही है, तो वो डिस्टिंक्ट उसको सिर्फ एक बार कंसिडर करेगा। जैसे कि आप दे सकते हैं स्ट्रीम वाले कॉलम में, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, तो डियर स्टूडेंट आप इसको स्ट्रीम वाले कॉलम में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आप खुद देख सकिए स्ट्रीम वाले कॉलम में, आप ये देख सकते हैं वोकेशना तीन बार डिस्प्ले हो रहा है, ह्यूमैनिटीज एक बार है, ज्योग्राफी दो बार है, मैथ्स दो बार है, साइंस तीन बार है, और वोकेशनल एक बार है। तो ये जो डिस्टिंक्ट क्लोज है, ये जो डिस्टिंक्ट कमांड है, जो ये डिस्टिंक्ट क्लोज है, ये जब किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है, तो वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज अगर एक से ज्यादा बार कंसिडर हो रही है, तो वो उसको क्या करेगा, एक बार कंसिडर करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा काउंट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम। तो हमारे पास कितनी है, 6 वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और ज्योग्राफी, कितनी है, टोटल 6 हो गई। तो हमारे पास जो काउंट हमने किया है, किस उस पर अप्लाई किया है, स्ट्रीम वाले फंक्शन पर, स्ट्रीम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है, तो इसने हमें क्या रिजल्ट रिटर्न किया, 6, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्लोज जो है क्या करता है, रिटर्न करता है सिर्फ और सिर्फ जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो सिर्फ एक बार उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे अब आप खुद देख लीजिए 56, अब अगर मान लीजिए मैं इस काउंट वाले फंक्शन को डिस्टिंक्ट के साथ मार्क्स वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई करूं, तो अब आप मार्क्स वाले एट्रीब्यूट में देखिए 56 कितनी बार है, दो बार है, 39 एक ही बार है, 52 एक बार है, 29 भी एक बार है, ऑब्वियसली सी बात है सारी चीजें एक बार है, लेकिन जब मैं इस पर डिस्टिंक्ट अप्लाई करूंगा,
तो जो मेरा ये 56 है ये सिर्फ एक बार कंसिडर होगा। अब आप देखिए मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है? अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मार्क्स, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो कितना है? 11 है। जबकि आना क्या चाहिए था? अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट को हटा दूं तो क्या आना चाहिए? आप कहोगे सर 12, 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए रिकॉर्ड? 12 आना चाहिए। अगर मैं इस डिस्टिंक्ट को हटा देता हूं तो क्या आएगा? 12 आएगा। लेकिन डिस्टिंक्ट लगाने के बाद क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू 56 दो बार है, डिस्टिंक्ट क्लोज उसको क्या करेगा? सिर्फ एक बार कंसिडर करेगा। तो डिस्टिंक्ट क्लोज आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अब जैसे कि इन्होंने बोल भी रखा है एग्रीगेट फंक्शंस एंड नल वैल्यूज, तो बस अब आपको ध्यान रखना है कि नन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन, जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए जो इसने बोला है कि नन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन, नन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन, कि कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो काउंट हो, नन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन टेक्स नल इनटू कंसीडरेशन। नल वैल्यूज आर सिंपली इग्नोर्ड, नल वैल्यूज आर सिंपली इग्नोर्ड बाय ऑल द एग्रीगेट फंक्शंस। बस आपको यही ध्यान रखना, और इसी चीज पर को तो मैं बार बार अभी तक आपको इम्फेसाइज करते आ रहा हूं कि नल वैल्यूज आर इग्नोर्ड बाय द एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यू को ऑलवेज इग्नोर करता है, नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली किस पर अप्लाई होते हैं? एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई होते हैं। एट्रीब्यूट पर अप्लाई होने के बाद रिजल्ट को क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग और अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। अगर मैक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन है तो मिनिमम वैल्यू देगा, सम है तो सभी वैल्यू का सम करेगा, अगर एवरेज है तो एवरेज कैलकुलेट करेगा, और अगर काउंट है तो काउंट करेगा, बट नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा। नल वैल्यूज आर इग्नोर्ड बाय ऑल द एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड